वेलकम फ्रेंड्स, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ इस बुक की, 10 धोखे जो कि सब खाते हैं। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट बुक है उन सभी के लिए जो कि अभी अपने अर्ली 20s, 30s, 40s में है। क्यों? क्योंकि उनके पास जो है वो जीवन में अभी थोड़ा समय ज़्यादा बचा हुआ है और बर्बाद ना हो जाए जीवन कि बाद में जाके बहुत पछतावा हो। तो इस तरह की बुक्स आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगी, 10 धोखे जो सब खाते हैं, क्योंकि इसमें जो चीज़ें दी गई हुई हैं वह आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग उसी चीज़ों में उलझे हुए हैं। और मैंने ये बुक पढ़ने के बाद बहुत एनालाइज़ किया कि लोग इन्हीं चीज़ों में ज़्यादा जो है वो उलझे रहते हैं। आप एक बार ध्यान से इसके चैप्टर्स को देखेंगे तो चैप्टर्स के जो कंटेंट है वो आपको पता चलेगा कि क्या कहते हैं, क्या कहा जा रहा है इसमें। आप जो है वो ऐसी चीज़ें से बचोगे जो चीज़ें इसमें कही जा रही हैं। आप जो है वो इस बुक को एक बार ज़रूर पढ़ें। बहुत सारे लोग जो है वो इन्हीं चीज़ों में उलझते हैं और इसको जो है वो टॉपिक वाइज भी डिवाइड किया गया हुआ है, जैसे रिश्ते और प्यार में मिले धोखे, जवानी के धोखे, व्यक्तित्व के धोखे, सुख दुख के धोखे, विचार और भावनाओं के धोखे, धारणाओं के धोखे, शारीरिक धोखे, सांसारिक धोखे, धर्म और अध्यात्म के धोखे, सबसे बड़ा धोखा। तो इन सभी में जो है वो सब सेक्शंस में डिवाइड किया गया हुआ है। तो आप जो है वो एक बार इसे ज़रूर पढ़ें ताकि आपको पता चल पाएगा कि क्या जो है वो इसमें लिखा गया हुआ है। और ये आचार प्रसंत की बुक है, आप इनके बारे में जो है वो यूट्यूब पे वीडियोस आपने ज़रूर देखा होगा, तो उन्हीं की ये बुक है। और आप इसे चाहे तो किसी को गिफ्ट भी दे सकते हो। गिफ्ट देने के लिए काफ़ी अच्छा बुक्स रहता है। और आप इसे इसका चाहे तो ई बुक भी पढ़ सकते हो। कई बार हार्ड कॉपी हमारे लिए कैरी करना, ट्रैवल करना बहुत मुश्किल हो पाता है, तो उसके लिए आप जो है वो इसका ई बुक भी ले सकते हो। ई बुक जो है वो आप ऑनलाइन इनकी वेबसाइट से भी परचेज कर सकते हो या फिर आप जो है वो ऐप पे भी डाउनलोड कर सकते हो। ऐप पे भी आप जो है वो इसे एक्सेस कर सकते हो। आचार प्रशांत ऐप आप गूगल प्ले स्टोर में सर्च करना, वहाँ पे आपको मिल जाएगी। फिर आपको अपना अकाउंट बनाना होगा और फिर आप ऑर्डर कर लेना। तो ये एक प्रोसेस हो गया। और वेबसाइट में भी सिमिलर है कि एक बार आप जो अकाउंट बनाओगे, यूज़र नेम पासवर्ड से लॉगिन करोगे आप, तो फिर वहाँ पे भी आप इसे परचेज कर सकते हो। ऑर्डर करने के लिए जो है वो आपको पहले जो है वो अपना नेम और एड्रेस इंटर करना होगा, फिर जो है वो आपको अपना पेमेंट करना होगा। तो देखो, कई बार लोग बोलते हैं कि COD अवेलेबल नहीं है। तो देखो, COD अवेलेबल नहीं है, वो अब संस्था की अपनी पॉलिसी है, उसके बारे में मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन मैंने अभी तक जितनी बार भी किया है ऑर्डर, तो मुझे कोई भी समस्या नहीं हुई है। बुक हमेशा मेरे घर पे डिलीवर हो गई है। तो आप जो है वो थोड़ा सा ट्रस्ट कर रहे हो आचार प्रशांत जी की जो है वो टीम है उन पर। और कुछ दिन लगेगा, 5 से 7 दिन का समय लगेगा पेमेंट के बाद। आप ट्रैक भी कर सकते हो, आपको जो है वो ट्रैक ऑर्डर ट्रैकिंग आईडी मिल जाती है कि जिस भी प्लेटफॉर्म से जो है वो बुक आ रही है तो उसका ट्रैकिंग आईडी आपको मिल जाता है। वहाँ से आप ट्रैक कर सकते हो कि बुक अभी कहाँ पहुँची है। तो वो जो है वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा ट्रैक करना। और फ़ोन नंबर मेक श्योर कि आप अपना सही करेक्ट दे, ताकि जो पर्सन बुक लेके आ रहा है, डिलीवरी बॉय, कुरियर बॉय, तो उसको आप तक पहुँचने में कोई भी समस्या ना हो। कई बार जो है वो एड्रेस के पिन कोड में इन सभी में भी समस्या हो जाती है, तो सभी का आप एक बार ध्यान रख लें। एंड आप चाहे तो इसे जो है ये बुक की अगर आप सहयोग राशि देखोगे तो बहुत ज़्यादा लिखी हुई है, 550, लेकिन ये जो है वो आपको 150 के आसपास मिल जाएगी। तो आप जो है वो इसे ऑर्डर कर सकते हो। और बहुत सारे लोग जो है वो थोड़े डाउट्स में रहते हैं कि आचार्य प्रशांत जी की जो है वो वीडियोज़ ही सुन के काम चला लेंगे, बुक नहीं पढ़ पर बुक को क्यों पढ़ना। तो देखो, वीडियोस का अपना महत्व है, बुक्स का अपना महत्व है। बुक्स में आपके पास एक अपॉर्चुनिटी रहता है कि आप जो कोई भी पैराग्राफ पढ़ रहे हो तो वहाँ पे अगर आपको डाउट आ रही है तो आप रुक जाओगे उस पैराग्राफ पे, फिर उसके बारे में आप सोच सकते हो। लेकिन वीडियोस में हम कई बार उतना सोचते नहीं है, वीडियोस में हम लोग आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो वीडियो में और बुक्स में दोनों में जो है वो कहीं ना कहीं डिफरेंस है, और वो आपको पढ़ने के बाद ही पता चलेगा, वो पहले नहीं पता चल सकता है। सो आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। एंड फिर भी अगर कोई क्वेरी होती है तो आप जो है वो मुझसे डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। एंड इसको जो है वो मोबाइल पे आप ऐप पे भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हो, तो उसके लिए कोई भी इशू नहीं है। एंड आपको कैसा लगता है, अगर आपकी कोई भी क्वेरी होती है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड।